सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट टू द न्यू वीडियो ऑफ वशिष्ठ अकेडमी. और जैसा कि वेक्टर की वीडियो लेक्चर की सीरीज चल रही है, तो आज लेक्चर नंबर 4 पर हम आ चुके हैं. आज हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है और वो किस किस केसेस में लगता है, उस पर बेस हम छोटे से 2 क्वेश्चंस करके देखेंगे. ठीक है ना, काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है. उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि भाई हमारा वेक्टर अगर ये होता है उसका हेड, ये होता है उसका टेल, याद होगा आपको. अगर हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़े तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है. ठीक है ना, और रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर को सिंपल प्लस करके, और इसे ही हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन भी कहते हैं. बट यदि आपका ये केस हो जाए कि भाई एक का टेल दूसरे के टेल से टकरा रहा है, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरीके से जाता है. ठीक है, और ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स की फॉर्म कर लेता है, और इधर आर वेक्टर हमारा निकल के आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. ये हमारा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, और दूसरा हमारा था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स. आई होप आप सभी को ये चीज याद होगी छोटी सी. ठीक है ना, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं. बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को. फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए. 2 वेक्टर दे रखे हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है सेम. मान लीजिए एक ए वेक्टर है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ठीक है ना, 2 वेक्टर मान लिए मैंने, ए वेक्टर बी वेक्टर, उनका सेम मैग्नीट्यूड है, मतलब मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ बी. कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं. और वो आपस में क्या एंगल बना रहे हैं, थीटा. ठीक है ना, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर वाला ही बन रहा है. टेल टेल हेड हेड, ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, और मैग्नीट्यूड दोनों का क्या दे रखा है सेम, ए. मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है ए. ठीक है ना, तो बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है और रिजल्टेंट निकालना है. 2 वेक्टर है ए और बी, थीटा एंगल है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है ए, तो आप रिजल्टेंट वेक्टर बता दीजिए जरा हमें. तो रिजल्टेंट वेक्टर भैया कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. यहाँ पे जो ये ए बी और ए बी होते हैं, ये बेसिकली मैग्नीट्यूड होते हैं. जो भी वेक्टर लिखा गया है उसका मैग्नीट्यूड मांगते हैं ये लोग. ठीक है ना, तो फॉर्मूले में अब ये चीजें पुट करके देखते हैं हम, तो काफी इजी सा हो जाएगा ये क्वेश्चन. आर वेक्टर हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, दोनों ही कितने हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. ठीक है, अब इसमें से अंडर रूट में से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर मेरा कॉमन आ जाएगा, और अंदर बच जाएगा 1 प्लस cos थीटा. ठीक है, और r वेक्टर मेरा लास्ट लाइन में हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू ए, रूट से बाहर आ गया, और अंडर रूट में 1 प्लस cos थीटा. ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि भैया cos थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, और 1 प्लस cos थीटा में थीटा रिमूव करने के लिए 1 प्लस cos थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे. इस पर मैं मैथमेटिक्स में वीडियो डाल चुका हूँ रामरूप शर्मा चैनल पर, cos 2x के फॉर्मूले किस तरीके से याद करे जाए. अगर वो आपने नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा. इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली cos थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो आएगी 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, 1 से 1 गया, ये बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2. अब इसे मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये रूट टू हो जाएगा 2. ठीक है, इंटू ए इंटू cos थीटा बाय 2. तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर का आंसर हो गया. तो इस तरीके से क्वेश्चन करा, कुछ भी नहीं था, हमें ए और बी 2 वेक्टर दे रखे थे, उन दोनों का मैग्नीट्यूड कैपिटल ए दे रखा था, और वो दोनों आपस में कितना एंगल बना रहे थे, थीटा. तो मैंने कुछ भी नहीं करा क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर लगना था. यहाँ पे मैंने वही फॉर्मूला यूज करा, रिजल्टेंट का आर वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. थीटा होता है उन दोनों के बीच का एंगल, ए और बी उन दोनों के मैग्नीट्यूड होते हैं.
ठीक है, आई होप थोड़ा सा आपको समझ आया होगा। चलिए इसी के बाद फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैं फॉर्मूला लिखे रहने देता हूँ क्योंकि फॉर्मूला शायद हमें ज़रूरत पड़ेगी अगले में भी। देखिए आप बोलेंगे सर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर का क्वेश्चन क्यों नहीं कराया आपने, क्योंकि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, उसमें केवल वेक्टर एडिशन होता है और कुछ भी नहीं होता। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आप फेस करोगे 11 ट्वेल्थ में वो सारे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से ही फेस करोगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर ज़्यादा जगह पर अप्लाई होगा एज कम्पेयर टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेज टू अस दैट टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज वेरी मॉड ए और मॉड बी कितना दे रखा है हमें 5। दो वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, एंगल कितना बना रहे हैं इस बारी 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर। अब भाई रिजल्टेंट वेक्टर का हमने फॉर्मूला पहले से लिख रखा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से ही ये सॉल्व होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बहुत सिंपल है, वैल्यू पुट कर दो एज इट इज, आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 5 × cos 60। अब 10th में ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज याद करी होंगी आपने, ये हो जाएगा 25 + 25 + 5 = 25 50 cos 60 होता है 1/2, ये हो गया 25 और ये 25 25 25 ये आपका हो गया 50 75, ये हो जाएगा 3 × 25 और आपका आंसर कुछ आएगा 5√4। जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है आपका 5√3। ये आपके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। तो इस तरीके से मैंने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। आप भी लोग ट्राई करिएगा और टाइप के क्वेश्चन करने की। नेक्स्ट वीडियो में भी आपको क्वेश्चन ही कराऊंगा, अभी एक दो वीडियोस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपको प्रीवियस रिवाइज होता रहे कि जो जो हमने पढ़ा है। बाकी चैनल से जुड़े रहिएगा, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को फैलाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फैला पाएंगे तो मैं आपको उतना ही अपना एफर्ट ज़्यादा दे पाऊँगा। तब के लिए थैंक यू वेरी मच।